सरकार को सभी रास्ते खुले दिए हुए हैं। अब सरकार ने निर्णय लेना है कि उसने क्या करना है। और जो आज हमारी दोनों फोरमों की मीटिंग है, दोपहर बाद उधर भी चलेगी, इधर भी, और देर रात तक जारी रहेगी। कल हमारे दोनों फोरम आपस में मीटिंग करेंगे और 29 को सारे कार्यक्रम आपके सामने हो जाएगा। और जो एक बड़ी बात जो मीडिया में आ रही थी, जो हमारे भाई बोल रहे हैं कि हमें इन्होंने न्योता नहीं दिया, हमारे साथ वार्ता नहीं की, अगर वार्ता करते तो शायद हम इनके साथ आते, तो वो पंजाबी में बोल रहे हैं भी सद्दी ना बुलाई मैं लड़े दी ताई। तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो हमने पहली मीटिंग की थी, आपको मालूम होगा जलंधर में एक मीटिंग हुई थी, तो सभी किसान संगठनों को इकट्ठे होने का न्योता दिया गया था 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ की मीटिंग के लिए। तो हमने उसका एजेंडा तय करने की बात कही थी। सतनाम सिंह जी सानी उनके घर में हमने 8 अक्टूबर 2023 को मीटिंग की थी, इसका एजेंडा क्या होगा। उसके बाद फिर हमने मंजीत सिंह राय जी से बात की और एक मीटिंग तय हुई फगवाड़ा में। मंजीत राय जी बुला लेंगे, किसी कारण वो स्नेहा आगे नहीं जा सका। उसी दिन 32 यूनियन की मीटिंग लुधियाना में थी, लखोवाल जी के दफ्तर में। तो हमने कहा हम तो अब आ गए हैं, आप कहेंगे तो हम मिल जाते। तो हम फगवाड़े से लुधियाना गए अपनी कमेटी को लेकर इनके दफ्तर में मिलने, और 4:30 बजे के करीब लखोवाल जी के दफ्तर में मीटिंग हुई। और जो 32 यूनियन ने अपना फैसला हमें सुनाया भी हम 18 की चंडीगढ़ की मीटिंग में नहीं जाएंगे, वो एसकेएम की मीटिंग नहीं है, और हमने आपसे वार्ता करने के लिए 5 मेंबरी जो टीम है वो बना दी है, जिसमें कुलवंत सिंह जी संधु, हरिंदर सिंह जी लखोवाल, सतनाम सिंह जी सानी, रणजीत सिंह जी बाजवा, बूटा सिंह जी सादीपुर, ये उनकी टीम थी। और हमारे ओर से मैं, सरवण सिंह पंदेर, दिलबाग सिंह जी हरिगढ़ और बलदेव सिंह जीरा, इन्होंने उनके साथ वार्ता की थी। और जो उनके साथ वार्ता हुई उनमें अभी गतिरोध था, जिन बातों में लास्ट में बताऊंगा। और दूसरी मीटिंग इसी में फगवाड़ा में, इसके कुछ दिनों बाद फगवाड़ा में हुई, वहां भी कुलवंत सिंह जी संधु, हरिंदर सिंह लखोवाल, मनजीत सिंह जी राय, सभी मीटिंगों में ये शामिल हुए, ये पुष्टि कर देंगे। दोबारा मीटिंग हमारी 32 यूनियन ने जो स्थापित की कमेटी थी उसके साथ हमारी हुई। और इसके बाद हम तकरीबन देखे, इसके बाद जो हमने अग्रहा जी से मीटिंग की है बरनाला तर्कशील भवन में, जो हम जो ये 21 अक्टूबर 2023 को मिले हैं, ये तो उसकी डेट मुझे तो हाँ, तो उसमें झंडा सिंह जी जेठू के, जुगिंदर सिंह जी और रहा, अरूप सिंह जी छन्ना थे, और हम थे सरमन सिंह पंदेर, सुरजीत सिंह जी फूल और बलदेव सिंह जीरा, जो उनके साथ वहां हमने बरनाले में वार्ता की अक्टूबर में, उनसे 27 अक्टूबर उनसे बात रखी। उसके बाद हमने फिर वार्ता शुरू रही करतारपुर में, हमने 8/1/2024 को, जो जनवरी 8 में लखोवाल जी और मनजीत सिंह जी राय हम करतारपुर के नजदीक मिले हैं, इनके साथ फिर हमने वार्ता की है। और इसके बाद फिर हाँ, करतारपुर में हम 8/1/2024 को करतार में हरिंदर सिंह जी लखोवाल और मनजीत सिंह जी राय बैठे हैं, वहाँ करतारपुर में हम जाके मिले। मैं अकेला ही था, मेरे साथी थे मेरी यूनियन के, उनके साथ हम लोग मिले। इसके बाद 13/1/2024 को अवतार सिंह जी कोजरीवाल के घर, कोरजीवाला, जो हमारे साथी दर्शनपाल जी को और अवतार सिंह इनको मिले हैं, उसका जो हमारा पैनल था दर्शनपाल जी को, ये 13/1/2024 को मिले हैं। उसके जो हमारा जो डेपुटेशन था उसमें जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, मनजीत सिंह निहालगढ़ और निहाल और तेजवीर सिंह जी, ये डेपुटेशन था जो पटियाला में दर्शनपाल जी से मीटिंग कर रहा था। उसके बाद फिर हम 14/1/2024 को गिल पैलेस लुधियाना में, जो लखोवाल साहब का है, वहां फिर हमारा डेपुटेशन मिला है। हरिंदर सिंह लखोवाल, मनजीत सिंह जी राय थे उसके साथ। वहां हमारा जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, बलदेव सिंह जी जीरा, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, ये डेपुटेशन था लगभग जो इनके साथ वार्ता कर रहा था। इसके साथ जो ग्रहा जी के साथ दूसरा दौर है, जो पिंड ढिलवा बठिंडा, शिगारा सिंह जी मान है उनके लीडर, उनके साथ हमने बात की है।
उनके बात करने के लिए उनके साथ अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, रमनदीप सिंह जी मान और रंजीत सिंह जी राजू, ये सभी संगारा सिंह मान जो उनके बड़े लीडर हैं गुराह के, उनके साथ वार्ता 9/1/24 को कर रहे हैं। इसके बाद 21/1/24 को जो हरियाणा के बड़े लीडर हैं सुरेश कौथ जी, मैं निजी तौर पर वहां उनके घर लौंगोवाल थे, अमरजीत सिंह मोहड़ी थे, उनके साथ मिले। उसके बाद फिर जोगिंदर सिंह अग्राह के घर 27/1/24 को सरजीत सिंह फूल और उनकी पूरी सूबा कमेटी वहां पहुंची, उनमें सरजीत फूल और उनकी सूबा कमेटी थी। इसके बाद गुरनाम सिंह जी चडूनी 10/1/24 को रमनदीप सिंह मान और रंजीत सिंह जी राजू गुरनाम सिंह चडूनी से मिलने उनके घर गए थे। उसके बाद फतियाबाद हरियाणा एसकेएम की जो अन्य यूनियन थी सरजीत सिंह की फूल की उनकी टीम सभी एसकेएम की यूनियन से बात करे 8/1/24 को, 18/1/24 को, 20/2/24 को पिंड मर्दापुर घनौर गुरनाम सिंह चडूनी से फिर मिले सुरजीत सिंह जी फूल, सुरेंद्र कौर जी और बलदेव सिंह जीरा। तो ये जो बातें आ रही हैं लगभग 13 मीटिंग इस दौरान हमने एसकेएम और उनके साथियों से, गुराहा जी से, चडूनी से, सबसे किया, लिखित हमारे पास है। और इसके बाद जब हम लगा कि इनकी पोजीशनें क्लियर नहीं है तो फिर हमने अन्य राज्यों से संपर्क किया, फिर मैंने लगभग डलेवाल साहब ने अपने फोरम की ओर से और मैंने अपने फोरम से पूरे देश में भ्रमण किया और बड़े संगठनों ने हमारा साथ दिया। एक तो और ये